नमस्कार, मैं हूँ गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर वन न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। कर्मचारियों को जल्दी मिलेगी राहत, 18 महीने के डीए एरियर पर नई अपडेट। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द राहत मिल सकती है, 18 महीने के बकाया डीए एरियर पर ताज़ा अपडेट सामने आई। पेंशनर्स ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और इस मामले में हस्तक्षेप करना की अपील की है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि अगस्त में 18 महीने के बकाया एरियर का हाल निकाला जा सकता है और कर्मचारियों को जल्द इसका भुगतान किया जा सकता है। एमपी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए राहत भरी खबर, जल्द मिलेगा उच्च पदों का प्रभार। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के लिए गुड न्यूज है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में फिर से पदोन्नति में आरक्षण पर सुनवाई चल रही है और अगस्त में कर्मचारियों और अधिकारियों के पदोन्नति में आरक्षण पर फैसला आने की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार ने अन्य विभागों में भी अधिकारियों कर्मचारियों को उच्च पदों का प्रभार देने का फैसला किया। खास बात यह है कि इससे सरकार के ऊपर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आएगा। छात्रों के लिए अच्छी खबर, 10,000 शिक्षकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए अच्छी खबर है, स्कूल शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला किया है। इसके तहत बीएड और डीएलएड विद्यार्थियों को अब ब्रेल लिपि और सांकेतिक भाषा का प्रारंभिक ज्ञान दिया जाएगा। इसके लिए पूरे प्रदेश में कम से कम 10,000 शिक्षकों को प्रारंभिक ज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इतना ही नहीं, राज्य शिक्षा केंद्र के सभी अधिकारियों को भी ब्रेल लिपि और सांकेतिक भाषा के प्रारंभिक ज्ञान का एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिवराज सरकार ने स्वीकृत किए 100 करोड़ रुपए, कई जिलों को मिलेगा बड़ा तोहफा। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार एक बार फिर से विकास कार्यों की तैयारी में जुट गई। पंचायत और निकाय चुनाव संपन्न होने के साथ ही खेल अधोसंरचना विकास के लिए 100 करोड़ पर स्वीकृत किए गए हैं। राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश में खेल विस्तार को अधिक महत्व देने की कवायद की गई। वहीं राजधानी में 15 करोड़ रुपए की लागत से 5वां हॉकी मैदान तैयार करने का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा इंडोर हॉल निर्माण और आउटडोर स्टेडियम उपकरणों सहित इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए कुल 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। करोड़ों किसानों के लिए जरूरी खबर, एक हफ्ते में अपडेट करें ये डिटेल्स। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 12.5 करोड़ लाभार्थी किसानों के लिए नई अपडेट है। एक हफ्ते के अंदर ई केवाईसी करा लें वरना अगली किस्त अटक या रुक सकती है। ई केवाईसी की लास्ट डेट 31 जुलाई 2022 है। वहीं संभावना जताई जा रही है कि अगस्त के लास्ट या सितंबर के पहले सप्ताह में पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त जारी कर दी जाएगी। पीएम किसान पोर्टल पर बताया गया है कि आधार आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण के लिए किसानों को किसान कॉर्नर में ई केवाईसी विकल्प पर क्लिक करना होगा। सर्किट रेस्ट हाउस के लिए खर्च होंगे 550 करोड़ रुपए, कर्मचारियों की भर्ती होगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक बार फिर से व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। दरअसल अभी तक मुफ्त सेवा देने वाले मध्य प्रदेश के 50 सर्किट हाउस और 45 रेस्ट हाउस को सुव्यवस्थित किया जाएगा और इसे व्यावसायिक उपयोग में लाया जाएगा। इसके अलावा इनमें से 34 सर्किट हाउस और रेस्ट हाउस को सरकार पर्यटन विभाग को सौंपेगी। वहीं किराए के जरिए सरकार इससे कमाई करेगी। हालांकि इससे पहले इन सभी पर 550 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार एक वर्ष में 1 लाख युवाओं को देगी नौकरी, 15 अगस्त से भर्ती। मध्य प्रदेश में एक साल में 1 लाख युवाओं को सरकार नौकरी देगी। इसके लिए सरकारी विभागों में भर्ती प्रक्रिया 15 अगस्त से प्रारंभ कर दी जाएगी। इसके अलावा सरकार प्रतिमाह 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने पर भी काम करेगी। ये घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को भोपाल स्थित रविन्द्र भवन में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती पर आयोजित युवा पंचायत को संबोधित करते हुए की। मध्य प्रदेश के इन जिलों में भारी बारिश की संभावना, अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने एमपी में भारी से अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने 6 संभाग के जिलों के साथ 10 अन्य जिलों में अति भारी बारिश के आसार जताए। इन संभागों में शहडोल, सागर, नर्मदापुरम, भोपाल, चंबल और ग्वालियर संभाग के जिले हैं। वहीं जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, देवास, शाजापुर, आगर, नीमच, मंदसौर जिलों में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के शाजापुर में 17 जुलाई को नगर पालिका के लिए हुई मतगणना के बाद विजयी पार्षद की रैली में वर्ग विशेष से जुड़े लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद 23 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस घटना का विरोध दर्ज करते हुए बस स्टैंड से वाहन रैली निकाली और एसपी कार्यालय का घेराव किया। हिंदूवादी संगठन की मांग थी कि दोषियों पर कार्रवाई ही। इस संबंध में एक ज्ञापन भी शाजापुर एसपी जगदीश डावर को दिया गया। इस दौरान हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के विरोध में नारेबाजी भी की। सिंगल यूज प्लास्टिक मिलने पर लगेगा 1 लाख रुपए का जुर्माना।
सिंगल यूज प्लास्टिक थर्मोकोल के डिस्पोजल और कैरी बैग पर पूर्णतः प्रतिबंध लग गया है। इसको लेकर प्लास्टिक डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, उत्पादकों और विक्रेताओं को नगर निगम ने हिदायत दी कि अगर 1 अगस्त के बाद इनका विक्रय व उत्पादन हुआ तो तगड़ा जुर्माना लगेगा। 100 रुपए से 1 लाख रुपए तक ये जुर्माना होगा। इसके अलावा निगम प्रतिबंधित प्लास्टिक के विकल्प को लेकर मेला भी लगाएगा। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज MP को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।